केवल रील बनाने वाले लोग नहीं हम, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं हम, समझे ना। बैठो, बहुत हो गया था, कुछ भी बोल देता है। हमें अध्यक्ष जी हाउस का ऑर्डर मिला, ये क्या तरीका है, कुछ भी बीच में बोल देते। माननीय अध्यक्ष जी माननीय मंत्री जी, रेलवे एक्ट के तहत माननीय मंत्री जी प्लीज, जो माननीय मंत्री जी 2005 माननीय मंत्री जी, आप बैठे बैठे किसी व्यक्ति का रेस्पॉन्स मत करो जी। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा आपका आदेश माननीय अध्यक्ष, जैसा आपका आदेश। माननीय अध्यक्ष जी, लोको पायलट का कंप्लीट जो उनका तरीका होता है वो देश में रेलवे एक्ट के तहत बनाए गए जो रूल्स है, और वो रूल्स माननीय अध्यक्ष जी 2005 नोट करना भाई, 2005 में बनाए गए रूल्स के हिसाब से लोको पायलट का सारा कार्यकाल तय होता है। माननीय अध्यक्ष जी, उसी के हिसाब से लोको पायलट की जो एवरेज टाइम और जो रेस्ट का टाइम होता है वो उसके हिसाब से डिफाइन होता है। मैं माननीय अध्यक्ष जी रिकॉर्ड पर रखना चाहूँगा, 2016 में, 2005 और 2016 की नोट करें डेट्स, 2016 में इन रूल्स को अमेंड करके, इन रूल्स में बदलाव लाके लोको पायलट्स को और ज़्यादा सुविधाएं दी गई, और माननीय अध्यक्ष जी 558 सारे के सारे 558 रनिंग रूम्स को एयर कंडीशन किया गया, 558 सारे के सारे रनिंग रूम्स को एयर कंडीशन किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, लोकोमोटिव की कैब में बहुत वाइब्रेशन होता है, बहुत हीट होती है, इसीलिए 7000 से ज़्यादा लोगों की कैब्स को एयर कंडीशन करके उसमें अर्गोनॉमिक डिज़ाइन से लाया गया है। अध्यक्ष जी, 2014 से पहले जो आज लोको पायलट्स के साथ सिंपैथी दिखा के रील्स बनाने में व्यस्त है, उन लोगों के समय में जीरो था, जीरो, एक भी लोको। आप मुझे बताओ, 558 में से एक भी जीरो था, एक भी कैब एसी नहीं थी। माननीय अध्यक्ष जी, ये फिर आप किस बात का ये करते हैं। अध्यक्ष जी जो इस तरह से बोल रहे हैं वो उनको पूछिए कि वो 58 साल के अपने राज में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए 1 किलोमीटर भी एटीपी। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं, अपने कार्यकाल को देखें, अपने गृहवान में पहले झांक के बताएं। इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी, 0.24 से 0.19 पे होने पर इतनी तालियां बजाते थे, आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं, क्या है ये बात, ऐसे देश चलेगा क्या? माननीय अध्यक्ष जी, देश चलाने के लिए रेलवे की सुधारने के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं चल सकता। माननीय अध्यक्ष जी, जब इतनी बात कर रहे हैं मैं एक और बात करना चाहूंगा, विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू किया। इस तरह के झूठ से कैसे देश चलेगा? मानवर देखिए, 2 करोड़ पैसेंजर्स डेली यात्रा करते हैं, क्या उनके मन में ये भय भरना चाहते हैं?
अध्यक्ष जी, मैं आपके समक्ष 12 लाख रेलवे एम्प्लॉई, 12 लाख रेलवे एम्प्लॉई जो दिन रात मेहनत करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब ताली बजा के पेट के पापा के उनकी दम उनका दम दिखाएं, उनको हिम्मत बढ़ाएं। पूरा देश माननीय मंत्री, धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने कल रात में देर रात तक उपस्थित रह के माननीय सांसदों को जो मौका दिया रेल बजट पर बहुत डिटेल चर्चा करने का, तो मैं सबसे पहले माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूँ कि कल रात को करीब करीब 11:30-12 बजे तक अध्यक्ष जी स्वयं रहे और जितने भी माननीय सांसद यहाँ प्रेजेंट थे उन सबको बोलने का आपने मौका दिया। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ माननीय अध्यक्ष जी। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को देश की सेवा करने का मौका दिया और आज हर कदम पे हर रेलवे के हर विषय में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं गाइडेंस देते हैं, स्वयं हमेशा मार्गदर्शन करते हैं, स्वयं लगातार रिव्यू करते हैं, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि रेलवे की जो सबसे बड़ी समस्या थी इन्वेस्टमेंट की कमी, वो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर बजट में एक रिकॉर्ड एलोकेशन करके लगातार कई वर्षों तक बजट एलोकेशन बढ़ा के इस जो सबसे बड़ी समस्या थी उसको दूर किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूँगा उन 12 लाख रेल कर्मियों का, 12 लाख के इस रेल परिवार का जो दिन रात लग के सर्दी गर्मी धूप बारिश सब में लग के डेली करीब 20,000 से ज़्यादा ट्रेन्स चलाते हैं और इस देश की एक सेवा करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे भारत की लाइफलाइन है, ये एक ऐसी संस्था है जिस पे भारत की इकोनॉमी आधारित है और देश का जो साधारण मानवी है, हर साधारण मानवी के लिए ये एक सेवा है। मेरा इस महान सदन से निवेदन है कि ये एक ऐसी संस्था है जिस संस्था को हमें टोटली डीपॉलिटिसाइज करके इस संस्था को कैसे सुदृढ़ करें, इस संस्था में कैसे नई टेक्नोलॉजी लाएं, इस संस्था में कैसे नए इन्वेस्टमेंट लाएं, रेलवे में किस तरह से ऑपरेटिंग प्रोसेसेस को सुधारें, इस पे पूरा फोकस रहे। और कल मुझे बहुत ही हर्ष के साथ आपके समक्ष में रखना चाहूँगा कि कल माननीय सांसद दो दिन में माननीय सांसदों ने कई ऐसे कंस्ट्रक्टिव सुझाव रखे, पक्ष से और विपक्ष से दोनों ही तरफ से कई अच्छे सुझाव आए और मैं विशेष धन्यवाद भी देना चाहूँगा पक्ष और विपक्ष के सांसदों को कि आपने कई जगह रेलवे के काम की तारीफ की, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इन प्रयासों को आपने सराहा, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, इस जवाब को मैं 10 पॉइंट्स में रखना चाहूँगा और प्रयास रहेगा कि जितने भी विषय आए हैं उन सारे विषयों को एड्रेस करें। जो विषय जितने भी हैं उन विषयों में तीन तरह के, बेसिकली अगर उसको क्लासिफाई करो तो तीन तरह की कैटेगरीज बनती है। पहली कैटेगरी जो जनरल पॉलिसी से रिलेटेड है, दूसरी कैटेगरी जो इंडिविजुअल सांसदों के क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दे, कई जगह स्टॉपेजेस का मुद्दा, कई जगह ट्रेन्स के एक्सटेंशन का, कई जगह RoB RUB के कंस्ट्रक्शन का, कई तरह के माननीय सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। इस तीसरी कैटेगरी है किस तरह से रेलवे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से एक नई दिशा में जा रहा है। ये तीनों कैटेगरीज को इन 10 पॉइंट्स में कवर करना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले जो सबसे बड़ा मुद्दा माननीय सांसदों ने रेज किया, और अध्यक्ष जी हम लोग भारतीय जनता पार्टी में कॉज के लिए लड़ने वाले लोग हैं, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना के साथ काम करने वाले लोग हैं। किसी भी विषय पे कितना भी क्रिटिसिज्म आए, कोई भी पॉइंट आए, हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं, विषय को डिस्कस करने के लिए तैयार हैं और किसी भी विषय से भागने वाले लोग नहीं हैं।
जो विषय सबसे पहले माननीय सांसदों ने पॉलिसी का कई जगह रेज किया, सदन में, सदन से बाहर भी, उन विषयों को सबसे पहले मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे साधारण मानवी की सवारी है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी आज रेलवे के कारण, रेलवे के द्वारा एक लंबी दूरी की यात्रा कम पैसे में कर पाता है। मिडिल क्लास के लिए सवारी है ये, और साधारण से साधारण नागरिक की ये सवारी है। इसी भावना के साथ पिछले 10 वर्षों में कई ऐसे स्टेप्स लिए गए जिससे कि रेलवे की सुविधा हर जन साधारण को मिले और जो हमारी एस्पिरेशनल मिडिल क्लास है उसको भी मिले। मैं सबसे पहले जो जनरल कोच का मुद्दा आया उसको एड्रेस करना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, जनरल कोच रेलवे में करीब करीब जनरल और एसी का अगर हम अनुपात देखें, जो रेशियो देखें, करीब करीब 2/3 जनरल यानी नॉन एसी कोचेस, जिसमें स्लीपर और जनरल क्लास के कोचेस होते हैं, और 1/3 एसी कोचेस का एक कॉम्पोजिशन हमेशा रहा है, वो मेंटेन हो रहा है। फिर भी माननीय अध्यक्ष जी, जो जनरल कोच के लिए जो डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि यात्रा के लिए जो डिमांड बढ़ रही है ओवरऑल, उसमें उसको ध्यान में रखते हुए अभी अगले कुछ ही महीनों में करीब 2,500 एक्स्ट्रा जनरल कोचेस के प्रोडक्शन का काम हाथ में लिया गया है, और जो स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन है जिसमें हर मेल एक्सप्रेस में मिनिमम 4 जनरल कोच रहेंगे, वो कॉम्पोजिशन बहुत जल्दी सब सारी की सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स में हो जाएगा। आगामी समय के लिए 10,000 स्पेशल प्रोडक्शन का काम हाथ में लिया है, 10,000 जनरल कोच का प्रोडक्शन का काम हाथ में लिया है माननीय अध्यक्ष जी, जिससे कि जनरल कोच की प्रॉब्लम कहीं पर भी नहीं रहेगी। ये मैं आपके समक्ष सभी देशवासियों को, सभी मान्य सांसदों के माध्यम से अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रखें ऐसा निवेदन करूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी ट्रेन की कल्पना की जो कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हो, अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ हो, लेकिन वो कम से कम कॉस्ट में लोगों को यात्रा करा सके, अमृत भारत ट्रेन। पिछले जनवरी में, कुछ ही महीनों पहले जनवरी में, इस ट्रेन का जब प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, टेस्टिंग कंप्लीट हुई, उसके बाद में 2 अमृत भारत ट्रेन इनॉग्रेशन हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से। अयोध्या जी धाम पर हम लोग प्रेजेंट थे सबके सब, अयोध्या जी धाम से ये दोनों ट्रेन्स चली। पहली ट्रेन चली मालदा से बेंगलुरु के लिए और दूसरी ट्रेन चली दरभंगा से दिल्ली के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत हर्ष के साथ आपके सामने ये विषय रखना चाहूँगा कि ये दोनों ट्रेन्स, जिसमें 22 कोच में से आधे स्लीपर है और आधे जनरल कैटेगरी के कोचेज हैं, जनरल कोच हैं, इन दोनों ट्रेन्स में जो फैसिलिटीज़ हैं वो हर तरह से पिछली जितने भी सरकारों का आप हिसाब देख लें उन सब से कई गुने बेटर है, और दोनों की दोनों ट्रेन्स इतनी पॉपुलर है कि करीब करीब 5-6 महीने की टेस्टिंग के बाद में आज मैं हर्ष के साथ आपके सामने रखना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 50 और अमृत ट्रेन के मैन्युफैक्चरिंग का निर्णय लिया। अध्यक्ष जी, 1,000 किलोमीटर की जर्नी इस ट्रेन में 450 रुपये में होती है, और बहुत ही, आपने सबने देखा होगा जो पुराने 1980 और 1990 की डिज़ाइन के LHB कोचेस थे, उन सब की ट्रेन्स में जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक झटका सा लगता है, क्योंकि वो डिज़ाइन एक उस जमाने की थी, 80 और 90 की डिज़ाइन, 70s की, 80s की डिज़ाइन थी। आप अमृत भारत ट्रेन में बैठोगे, इसमें सेमी परमानेंट कपलर्स एक नई टेक्नोलॉजी लाए हैं जो कि ट्रेन के अंदर बिल्कुल भी झटकों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है उससे, और भी कई सारे फीचर्स हैं, अच्छी टॉयलेट्स हैं, अच्छे जो चार्जिंग स्टेशन से चार्जिंग पॉइंट्स हैं, बर्थ की डिज़ाइन चेंज हुई है, कई तरह के इसमें नए फीचर्स लगे हैं। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, जैसा आरंभ में कहा, रेलवे साधारण मानवी की सवारी है, जन साधारण की सवारी है। ये जो 5 महीने का एक्सपीरियंस रहा अमृत भारत ट्रेन को चलाने का,
इस एक्सपीरियंस के आधार पर और 13 नए इम्प्रूवमेंट्स ट्रेन में किए गए, विशेषकर जो अपर बर्थ पे चढ़ने का, और मैं अगर आपसे निवेदन भी करूंगा माननीय अध्यक्ष जी, कई एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद में अपर बर्थ और मिडिल बर्थ में चढ़ने के लिए टॉयलेट्स की क्लीनिंग और बेटर हो, पानी का फ्लो टैंक में, पानी के टैंक के अंदर ऑटोमेटिक सेंसर्स वगैरह वगैरह, कई तरह के ऐसे इम्प्रूवमेंट्स, 13 इम्प्रूवमेंट्स किए गए जो कि अगली 50 अमृत भारत ट्रेन्स में इंक्लूड होंगे। ओवरऑल मैं इस महान सदन के सामने इस विषय को रखना चाहूँगा कि NDA की सरकार और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा फोकस, कंप्लीट फोकस गरीब से गरीब वर्ग पर और मिडिल क्लास वर्ग पर है, और इसीलिए सारा का सारा जो ट्रेन्स का डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट भी उसी आधार पे हो रहा है। मैं बहुत ही खुशी के साथ ये कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी कि कल और परसों दो दिन विपक्ष के कई सांसदों ने, मान्यवर सांसदों ने भी वंदे भारत ट्रेन के लिए डिमांड की। हालांकि राजनीतिक तौर पे कई जगह कांग्रेस के बाहर, इस सदन के बाहर कांग्रेस के ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं कि वंदे भारत ट्रेन नहीं चाहिए, और कई बार दूसरे कई दलों के भी आते हैं, लेकिन संसद में जो प्रामाणिक तौर पर कहा, मैं माननीय विपक्ष के सांसदों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस बहुत ही इम्पोर्टेंट इनोवेशन का और जो आत्मनिर्भर भारत की इस बड़ी ताकत का जो आपने एक्नॉलेजमेंट किया, उस एक्नॉलेजमेंट के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, रिकॉर्ड पर ये बात रिकॉर्ड पर रहे इस महान संसद के कि जब वर्ल्ड क्लास सेमी हाई स्पीड ट्रेन के डेवलपमेंट की बात आई 2015 के आसपास, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जिम्मेदारी संभाली 2014 में, 2015 में जब निर्णय लेने की बात आई कि वर्ल्ड क्लास ट्रेन एक अच्छे क्वालिटी की, मच बेटर, जो आज के भारत की एस्पिरेशन है मिडिल क्लास की, उस एस्पिरेशंस को एड्रेस करे वैसी ट्रेन बनानी है, तो ये रिकॉर्ड पर है माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी ने एकदम स्पष्ट तौर पे कहा कि जो पुरानी पद्धति थी कि बाहर जाओ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवाओ, उस पद्धति को उन्होंने नकारा और स्पष्ट तौर पे कहा कि मेरे भारत के इंजीनियर्स, उनकी क्षमता है, मेरे भारत के वेल्डर्स, मेरे भारत के इलेक्ट्रिशियंस, हमारे देश में इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है, इतनी बुद्धिमत्ता है कि हम अपने आप डिजाइन करेंगे। और अध्यक्ष जी, ये वंदे भारत ट्रेन उसी आत्मविश्वास का, उसी भारत की क्षमताओं पर, भारत के युवाओं की क्षमताओं पर विश्वास की एक झलक है, विश्वास की एक मिसाल है कि आज ये ट्रेन 100 से ज़्यादा सर्विसेज देश के कोने कोने में, करीब करीब हर राज्य में ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, कल माननीय कई सांसदों ने कहा कि भेदभाव की बात कही। अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा इस महान सदन में रखना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी ने जब वंदे भारत का रोल आउट किया, उन्होंने स्पष्ट कहा कि नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, हर प्रदेश में वंदे भारत को रोल आउट करें, और इसी कारण आज केरल से लेके आसाम तक और जम्मू कश्मीर में, जम्मू से लेके तमिलनाडु तक, हर प्रदेश में वंदे भारत ट्रेन आज सर्विस दे, कहीं पर भी किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव की भावना नहीं है। किसी भी तरह की सर्विस हो, चाहे इन्वेस्टमेंट की बात हो, चाहे सर्विसेज की बात हो, हर जगह पूरे देश का ध्यान रखा गया है। माननीय अध्यक्ष जी, पैसेंजर सर्विसेज की इसी कड़ी में दो बहुत अच्छे जो इनोवेशंस हुए वो आपके समक्ष रखना चाहूँगा। जो कम डिस्टेंस के बड़े शहर हैं, कम डिस्टेंस के जो बड़े शहर हैं 150-200 किलोमीटर के बीच के, उसमें एक रीजनल ट्रेन चले, जैसा कि दुनिया के कई देशों में है, इसके लिए
वंदे मेट्रो डिज़ाइन की गई है और पहली गाड़ी डिज़ाइन होने के बाद में कपूरथला फैक्ट्री से निकल चुकी है, उसकी टेस्टिंग चल रही है अभी और बहुत जल्दी वो लॉन्च होगी। और वंदे मेट्रो भी आप देखेंगे अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेन्स की तरह ये एक ऐसी सर्विस होगी माननीय अध्यक्ष जी जो भारत में यात्रियों के लिए एक नया वरदान साबित होगी। एब्सोल्युटली मॉडर्न फैसिलिटीज, सेफ्टी से लैस, हर तरह के जो इनोवेशंस जो अब तक सीखे गए और दुनिया भर में जो अच्छे से अच्छे फीचर्स होते हैं वो सारे के सारे फीचर्स वंदे मेट्रो की ट्रेन में रखे गए हैं माननीय अध्यक्ष जी। साथ ही साथ लंबी दूरी की ट्रैवल के लिए 1000 किलोमीटर, 700 किलोमीटर से ज़्यादा की ट्रैवल के लिए वंदे स्लीपर का भी डिज़ाइन किया गया है और बहुत ही बारीकी से डिज़ाइन के हर फीचर को ध्यान में रख के इस ट्रेन का डिज़ाइन किया गया है। पहली ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग हो गई है और उसका टेस्टिंग का काम चल रहा है। ये दोनों के दोनों ट्रेन्स वंदे मेट्रो और वंदे स्लीपर, वंदे भारत, अमृत भारत, वंदे मेट्रो, वंदे स्लीपर, ये चारों का जो कॉम्बिनेशन है माननीय अध्यक्ष जी आगामी वर्षों में ट्रेन के ट्रैवल को एक साधारण मानवी की सवारी को एक नया स्वरूप देगी। और बहुत ही सेटिस्फेक्शन के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये जो इनोवेशन है जन जन को भाएगा और देश के जो 140 करोड़ देशवासी हैं, 700 करोड़ लोग ट्रैवल करते हैं यानी एक से अधिक बार जो ट्रैवल करते हैं, 700 करोड़ पिछले वर्ष ट्रैवल किए हैं पैसेंजर्स टोटल, उन सब के लिए ये एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। माननीय अध्यक्ष जी मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने हमेशा एनकरेज किया कि एक नई टेक्नोलॉजी लेके आओ और नई टेक्नोलॉजी को भारत में डेवलप करो, भारत में ही मैन्युफैक्चर करो और लगातार इम्प्रूवमेंट करते रहो। इस ये जो भावना है ये एक भावना को ध्यान में रखते हुए सारा का सारा काम किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी मैं इसके बाद में आऊँगा जो सबसे दूसरा बड़ा मुद्दा है पैसेंजर सेफ्टी का। अध्यक्ष जी पैसेंजर सेफ्टी एक ऐसा मुद्दा है जो हमें अति संवेदनशीलता के साथ रखना चाहिए।